अगर आप हिंदू हैं और विष्णु पुराण को मानते हैं तो आज मैं आपको एक ऐसे जगह पे ले चलता हूँ जिसका जिक्र विष्णु पुराण में किया गया है। आज है सफर बिहार का 26वां दिन और मैं आया हूँ भारत से नेपाल धनुषा धाम में, एक ऐसी जगह जो हमारी माइथोलॉजी को आज भी जिंदा रखा है। धनुषा धाम जनकपुर धाम से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पे है। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान शिव ने महर्षि ऋषि के हड्डियों से एक धनुष बनाया था जिसका नाम पिनाक धनुष था, जो कि तप करने के बाद परशुराम के द्वारा ये धनुष राजा जनक को मिला था, जो मिथिला के राजा और माँ सीता के पिता भी थे। ये वही धनुष का टुकड़ा आपको ये जमीन पे दिख रहा है। मान्यता के अनुसार सीता स्वयंवर में जब प्रभु श्री राम के द्वारा जिस धनुष के प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष का 3 टुकड़ा हो जाता है, जिसका एक हिस्सा ठीक इसी जगह पे गिरता जो कि आज के समय में कुछ ऐसा दिखता है। और पिनाक धनुष की वजह से ही इस क्षेत्र का नाम धनुषा धाम है और इसे धनुषा मंदिर भी कहते हैं। पास में यहाँ पे एक राम जानकी मंदिर भी है जिसके गर्भगृह में प्रतिमा स्थापित है और इस जगह पे घूमने के लिए देश विदेश से काफी लोग आते हैं और हिंदू धर्म में इस जगह की मान्यता काफी ज्यादा है।